महाराज भीष्मक ने जवाब दिया, मंत्री महाराज मंत्री महाराज की जय जयकार, खुश रहो बेटा। महाराज कहिए क्या कह रहे हो? हमारा एक आदेश है। क्या? एक खत लिखो। खत? हाँ। इसलिए महाराज तुम्हारी जो बहन है ना, हमारी जो बेटी है रुक्मणी, रुक्मणी महाराज बताओ, उसके शादी की चर्चा होगी। उसके चाचा छत पर चढ़ेंगे, पशु चाचा नहीं छत पर चढ़ेंगे, चर्चा होगी शादी की। महाराज वैसे सभा में बैठे हुए थे जो अभी बैठे हैं, कि डरते थे बोलने के लिए, पर आज सभा में जो बैठे हैं आज सबको बोलने का हक है। जो हम कहेंगे खत में तुझे वो लिखना है। महाराज हाँ, आपकी बेटी की शादी है ना? बिल्कुल। महाराज आपकी बेटी कितनी बड़ी हो गई? महाराज वो बेटी वही तुम वही मान लो 19 वर्ष। तो महाराज लड़का 21 वर्ष का होना चाहिए। हाँ वो तो होना चाहिए। महाराज हो गया, हो गया क्या? हो गया फैसला, हो गया फैसला। महाराज 7-7 साल के 3 ले लो। बिल्कुल पशु रहेगा, हमारी जो बिटिया है मैं गोदी में धर के खिलाई है का, जीवन साथी होना चाहिए। महाराज पता बहुत फायदा है, 3, 7, 21 तुझे पता नहीं है, पर्ची भिजवा दो देश विदेश, सब ऐलान कर दे, जो हम कहेंगे तुझे खत में वो लिखना है और लिख करके ऐलान तुझे करना है। महाराज उसमें ये लिखो हमारे, उसमें ये लिखो हमारे आगे की मत लिखना, जो शब्द हमने बोले हैं आगे की मत लिखना, जो शब्द हमने बोले हैं ये लिखने को मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लिखने को मैं नहीं कह रहा हूँ। लौंडा मैं ये लिखने को नहीं कह रहा हूँ, मैं ये लिखने को नहीं कह रहा हूँ। ऐलान क्या करेगा? ऐलान क्या करेगा? अभी तो हमने कुछ बोला भी नहीं है, अभी तो हमने कुछ बोला भी नहीं है। तू तो लिख रहा है, तू तो लिख रहा है, पर ये लिख क्या रहा है? अरे लिख क्या रहा है? अरे अरे नहीं माने, नहीं माने, हम तो से कह रहे हैं, हम तो से कह रहे हैं। तू ऐसे बोले, तू ऐसे बोले, अरे हम तेरे राजा हैं, अरे हम तेरे राजा हैं, तू राजा कहाँ तो हो रे? तू राजा कहाँ तो हो रे? तू हमारा नौकर है, तू हमारा नौकर है, हम तेरे नौकर हैं, हम तेरे नौकर। अरे मैं राजा हूँ, अरे मैं राजा हूँ, अरे अरे मंत्री मंत्री, अरे तू है, तू है, मैं तेरे राजा हूँ। ललो हम तेरे राजा हैं, तेरे राजा हैं, माने माने को ना। महाराज 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 देखो देखो इधर देखो इधर देखो महाराज महाराज देखो मैं खड़ा हो रहा हूँ, देखो मैं खड़ा हो रहा हूँ, देखो खड़ा हो गया, देखो महाराज खड़ा हो गया, देखो 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 मैं खड़ा हो गया, देखो मैं खड़ा हो गया, देखो मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, देखो मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, मैं आपके पास के लिए आ रहा हूँ, मैं आपके पास के लिए आ रहा हूँ, देखो देखो महाराज महाराज मैं आ गया, आ गया, देखो देखो और मैं आ रहा हूँ निकट, और मैं आ रहा हूँ निकट। महाराज महाराज देखो मैं बैठ रहा हूँ, देखो मैं बैठ रहा हूँ। क्या बकवास महाराज? आपने तो कहा जो बोले वही लिखना है। मैंने तो से जो कहा, हम जो बोले जो ऐलान करने के लिए जो हमने बोले बस तुझे वो लिखना है। फालतू एरा गेरा बातें क्या क्यों लिख रहा है महाराज? कहीं कहीं तो बोलना है, लिखना है कहीं 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 कहीं। महाराज आप मारते हो, आ,
बहुत बोलता है, अब तू बोलेगा नहीं, चुप्पा लिखे हुए तू लिखे हुए, अब बोलना नहीं है, अब तुझे बोलना नहीं है, केवल लिखना है। हाँ तुझे लिखना है। ठीक है महाराज। कुंदनपुर के महाराज भीष्मक जो है, जिनकी बेटी है रुक्मिणी, शादी की योग्य है, सुंदर वर होना चाहिए, सुंदर घर होना चाहिए, सुंदर राजकुमार होना चाहिए, कोई राजा हो तो आज सभा में बोलने का सबको हक है। आज मुझे बताएगा हमारी बिटिया के बारे में, शादी के बारे में चर्चा होगी। मंत्री 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 बेटा मंत्री 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 एक थप्पड़ दे देगी मिल की जाएगा मंत्री महाराज। अब तेरे परना को क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने क्या कर दिया महाराज? तू बोल क्यों नहीं रहा है? आपने तो कहा बोलना नहीं है। हमने जब बोली है महाराज, कहीं कहते हो बोलना है, कहीं बोलना नहीं है, कहीं लिखना है, चल ऐलान कर, ऐलान कर जल्दी। चाचा जो लिखा है वो पढ़। महाराज महाराज भाई पढ़ रहा हूँ, जो लिखा है वो ही पढ़ रहा हूँ। भाई और भौजाई और इस गांव के नाई अलीगंज के हलवा क्या बकरा है? अरे जो उस पे लिखा है रंजित नगला चंदन यादव अभी नगीना है 101 रुपए महाराज जी लिखा है। तूने क्या लिखा है वो महाराज पढ़ना पड़ेगा। महाराज की बेटी की शादी है, उसमें सभी लोगों को आना है, अपना मुंह फाड़ के रखना है, घर पे खाना खा के आना है और हमारे लिए एक टिफिन में लेके। हमने ये बोला है, हमने ये बोला महाराज। महाराज स्याही कच्ची आ गई महाराज, दोबारा बताओ महाराज, लिख नहीं पाओ महाराज। एक बार बोलेंगे अब नहीं बोलेंगे। अगर तूने नहीं लिखा मंत्री पद से तुझे हटा देंगे। महाराज एक ही बार में लिख देंगे, लिखो नहीं महाराज। अब क्या हुआ ये मत बोला करो, क्या नहीं बोले? लिखो मेरी बुआ का नाम है। महाराज चल ठीक है, नहीं कहेंगे, बोलो बोलो उसमें ये लिखो हमारे महाराज भीष्म। अब क्या है, कितना बड़ा बोल देते हो, धीमे धीमे बोलो ना, बोलो बोलो। बोलो महाराज उसमें उसमें ये लिखो लिखो हमारे हमारे महाराज महाराज भीष्म दी बावटी आदोसा भीष भीष्म महाराज भीष्म की जो बेटी है जो बेटी है मिडी कुड़ी मुड़ी। क्या हुआ महाराज, ये क्या लिख रहा है? ये हमारी बेटी का नाम नहीं है गुड़ी मुड़ी, रुक्मिणी नाम है हमारी बेटी। महाराज सही से बोलो, रुक्मिणी गुड़ी मुड़ी।
परिणय को तुम्हारी होश आ जाए। अरे महाराज भाई तो लिख रहा हूँ उसमें ये लिख रुक्मिणी गुड़ी मुड़ी महाराज भाई लिख रहा हूँ जब आप बोल रहे हो आप फालतू में गुस्सा होते हो भाई लिख रहा हूँ गुड़ी मुड़ी हमने ये बोला है आपने तो बोला है हमने कहाँ बोला गुड़ी मुड़ी लिख नहीं आपने गुड़ी मुड़ी नहीं बोला तो क्या बोला गुड़ी मुड़ी मैंने रुक्मिणी बोला महाराज भाई लिख रहा हूँ महाराज आपके साथ कितने साल हो गए मुझे पांच तो महाराज आपको पता है कि हम तोतला है भूल जाते हो आप मैं भाई लिख रहा हूँ गुड़ी मुड़ी महाराज ऐसा है ना वहां गए थे ना परिवार भैया घर पे खाना खाने तो महाराज वो पनीर थी ना पनीर उसमें तेल ज्यादा था लपट जाती है चिकनी हो गई है ना अब तो है ना तेल मिले ना घी मिले आज के बाद सब बंद ओके महाराज मैं मंजीत से मना कर दिया संजय को तुम्हें नहीं मिले आई एम ओके बोलो महाराज बहुत सुंदर बर हो बहुत सुंदर घर हो किसी की नजर में किसी की नजर में हाँ 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 तो बताएगा महाराज लड़का हाँ हाँ अब ऐलान कर दे समय बहुत हो रहा है कुछ जल्दी कर ले महाराज की बेटी की शादी है जो अपने अपने घर से कंडा ही जो अपने अपने घर से घी चंदर रबड़ी लेके आएगा वही महाराज की बेटी का पति बने चल बक 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 महाराज महाराज मैं खुद कर रहा हूँ सभा में बैठे फंसते सभी को एक बात सूचित करने के लिए जा रही है किसी के नजर में सुंदर बर हो सुंदर घर हो तो मुझे बताएगा हमारी जो बेटी है बहुत सुंदर बेटी है हम शादी करने के लिए मैं चाहते हैं उसमें से एक खड़ा हो गया महाराज हाँ महाराज की जय जयकार खुश रहो बेटा महाराज इतनी भीड़भाड़ क्यों लगा रखी है ये सभा लगी हुई है मेरी बेटी रुक्मिणी की शादी की चर्चा हो रही है अच्छा महाराज हाँ तो लड़के की जरूरत है बिल्कुल जरूरत है महाराज मैं बताऊं बिल्कुल बता सकते हो महाराज हाँ ये बताओ महाराज हाँ जरासंध कैसा रहेगा जरासंध नहीं नहीं करेंगे उसके साथ महाराज विसर्जन नहीं करूंगा क्यों नहीं वो तो बहुत खाता है महाराज महाराज एक लड़का और है कौन है आपने देखा है महाराज हमने जी हमने कब देखा आपने देखा है हमने बहुत देखा है महाराज पहले दूध पी लो महाराज हाँ आपने देखा है दूध एक ही सांस में पी लो करो मालूम हल्दी भी नहीं महाराज कल लाए महाराज आपने देखा है मैंने कब देखा महाराज कहाँ देखा आप जानते हो उसको हम तो अच्छी तरह से महाराज अरे महाराज हाँ आप उसकी आदत भी पहचानते हो तो कुछ तो बता महाराज मैं बताऊँ हाँ देखो महाराज वो बेटा है पीछे हरी हरी शर्ट पहन के वो देखो महाराज किधर वो पीछे बैठा है वो देखो वो अपना महाराज देखो कॉलर हिला रहा है वो देखो महाराज वो मुझे नहीं दिख रहा वो महाराज अपनी हेयर स्टाइल सही कर रहा है देखो महाराज क्या हुआ महाराज तेरे साथ अरे पशु क्या महाराज हम क्या तू मेरा नौकर है मंत्री हूँ महाराज तेरे साथ मैं नहीं करूंगा देख लो महाराज नहीं तेरी औकात है हमारा नौकर कोई राजा हो राजकुमार हो हमारी बेटी राजकुमारी है ओ उसमें से खड़ा हो गया जवाब दिया महाराज बोलो महाराज की जय जयकार हो खुश रहो बोलो आप महाराज दो दिन से परेशान हो आपको भूख प्यास नहीं लग रही है नहीं लग रही है लड़के की आपको तलाश है तलाश है महाराज मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आपको लड़का मिल गया ये समझ लो मिल जाएगा मिल गए महाराज मिल गया नाम बताओ
महाराज द्वारकाधीश कन्हैया मंत्री मंत्री फैसला हो गया कत्ल को खत भिजवा दो कन्हैया के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है महाराज। ये बाबा सनो रामपाल यादव इसी गांव के रहने वाले हैं, हमारा सम्मान कर रहे थे विदाई के तौर पर। ये नोटों का हार पहनाया है संजीश यादव भाई ने, 151 मुद्राओं से हमारा सम्मान किया कमेटी अध्यक्ष। और ये भैया उमेश यादव, आलोक यादव, ये भैया हमारा अंतिम विदाई के तौर पर सम्मान कर रही हैं। और ये 201 मुद्राओं का हार हमारे गर्दन में पहनाया है विकास यादव की इच्छा है।